एक हाथ नहीं है भैया का, दिखाना एक बार भैया। ये भाई कितने किलोमीटर जाते हो? 22 किलोमीटर इस साइकिल से ड्यूटी करने जाते हैं भाई। सलूट है भाई, अकेले रहते हैं, खाना वाना भी खुद बनाते हैं। हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, नई एनर्जी के साथ फुल एकदम। मैंने केले का जूस पी लिया है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है और ब्लॉग अपना चालू कर दिया है। और आज क्या है बताओ? ये मम्मी की सहेली। आज क्या है? आज 25 तारीख। आज पढ़ रहे इलेक्शन, आज है दिल्ली में इलेक्शन। और पता नहीं इसकी बार किसकी सरकार है, पता नहीं इस बार किसकी सरकार आएगी। लोकसभा इलेक्शन, पीएम इलेक्शन। तो मम्मी जा रही है वोट डालने, मम्मी के साथ मैं भी जा रहा हूँ। मेरा तो वोटर कार्ड बना नहीं है, मैं साथ में जा रहा हूँ। अगर देखने देंगे क्या होता है क्या नहीं होता तो अच्छी बात है, वरना वोट डाल के मम्मी आ जाएंगी। और आज हम रूम खाली कर रहे हैं अपना, यहाँ से जो ये जगह है यहाँ से शिफ्ट होंगे दूसरी जगह, अपनी वही वाली कॉलोनी में जाएंगे। तो वही सीन है, आज देखते हैं क्या होगा। शनिवार है, छुट्टी भी है मेरी काम की। दादी को प्रणाम, नमस्कार, आधार। ये देखो इस पे आज मेरे को ना गुस्सा आ रही है। अब आप बोलोगे क्यों आ रही है भाई? क्योंकि ना अभी पड़ोस की आंटी आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई भंडारा हो रहा है बाहर, आ जा भंडारा ले ले। और ये भंडारा ले नहीं गई मेरे लिए, कोमल चली गई। पता नहीं इसको क्या शर्म आती है, इतनी उम्र में ना मैं मतलब कहीं भी चला जाता था, आप कच्चे में घूमता था। कोई भंडारा लेने नहीं जा रही है, बताओ इतनी शर्म आ रही है इसको। सेलिब्रिटी है क्या तू? बिल्कुल। इसी के साथ स्वागत है, वेलकम मेरी वाइफ का। ये शक्ल नहीं दिखाई मेरी वाइफ, गुस्सा है। छोड़ो, पहले दुकान पे जाओ, निरमा ले आओ जाके, जाओ अभी कपड़ा धुल ले। मोहिनी बाहर जा रही है, भगवान करे एक ऐसी बहन सबको दे। अरे देखिए ओए सब्जी डाल दे। भंडारा ले आई, भंडारे की सब्जी बड़ी मस्त होती है। हाय, कैसे हो आप? अब याद आई है कैसे? दो दिन से हम लोगों में थोड़ा अनबन थी, ये गुस्सा थी, मैं भी गुस्सा था। अब बात तो ओके हो गई है दोस्ती। चलो ऐसे ऐसे हमने लाइए, ऐसे करो ऐसे दोस्ती दोस्ती बुलाओ। ये दुइया पूड़ी लाई खाली, दोबारा लिया ना? हाँ दोबारा लिया, बार बार ना दे रहे हैं। बुरी शकल, भंडारा लाई नहीं और खा रही है। अरे चल मिल जाए जल्दी, बात क्यों हैं? मिल जाए, लाइन में बच्चन को ना दे रहे हैं। बाऊ मेरे लिए भंडारा लिया। अरे बच्चा को ना दे रहे हैं, ये बड़े बड़े को दे रहे हैं। अरे खत्म हो जाए, मेरी वाइफ ने मंगाया इसीलिए लेने जा रहा हूँ मैं। हाँ कितना अच्छा स्मेल। चलो भाई मैं भी भंडारा लेके आ गया हूँ, बस थोड़ी सी। हाँ बस ये देखो मम्मी भी लेके आ गई हैं, वोट देने जा रही थी, भंडारा मिल गया, भंडारा खा रही हैं। अब वोट बाद में दिया जाएगा, बढ़िया है। दे देंगे वोट बाद में। पर एक बात है, देखो सबसे गोरा कौन लग रहा है इस पूरे जगह में, कौन है? तुम्हें बता रही है तो। हाय क्या हाल है? आओ भंडारा खा लो। कौन? ऋतिका के लिए। चलो भाई भंडारा खा लेते हैं, सुबह से भूखा था मैं, और देखते हैं टेस्ट करके। वैसे भंडारे की सब्जी टेस्ट हो गया, स्वाद लेके तो आए तुम। नेट लगा दो, गोल बाल जा ना, जाओ भूखे नंगे, पता क्या है चाहिए बस आ दे जो परफेक्ट। हाय भी जाती तुम, विकास वही बैठो तो सुनिए, तो बच्चा वाले के सामने ना विकास पिटू कोमल को जाने चाहिए। ये देखो अरे विकास ना है, शर्म की बात कर रही है, भंडारा लेने नहीं गई, मैं बोल रहा हूँ दोबारा लिया तो बोल रही है। चलो भाई टाइम पास करते करते पूरे 12:30 बज गए। और ये देखो आधार कार्ड ले हमारी मॉम है, हम अब आधार कार्ड से डाल सकते ना? पूछ लियो, ले पूछ लियो अब, अगर वो फोन में है, अगर आधार कार्ड से डल जाएगा तो मैं भी डाल दूंगा, वरना वोटर कार्ड तो मेरा बना नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होगा, गर्मी का माहौल है और सब लोगों की छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है। और भाई डाल दिया वोट? हाय स्कूल वाला दोस्त, किसको डाल दिया? किसको डाल दिया नहीं बता सकते। चल ठीक है भाई, मेरा तो नहीं डलेगा क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम होता तो मैं भी डाल सकता आधार कार्ड से। अफसोस की बात है यार, मैं इतना 24 साल का हो गया हूँ, आज तक मैंने वोट नहीं डाला।
मैंने लापरवाही कर दी यार, अब की बार वोटर कार्ड बनवा लूँगा अपना, कोशिश करी थी मैंने पर बना ही नहीं, तो वही बात है। बाकी तो गर्मी बहुत है, मम्मी जा रही है, मम्मी डालेंगी, देखते हैं। अगर मेरे को देखने को मिला तो मैं भी कुछ सीन देख लूँगा अंदर, बाकी तो जो होगा तो देखा जाएगा। पर मेरा यार बहुत मन है यार, मैंने देखा नहीं है कैसे वोट डलता है, मैं भी वोट डालूँ यार, मैं भी बटन दबाऊँ कोई सा, अफसोस यार। और ऐसी भरी गर्मी में आज रूम भी खाली करना है अपने को। चलो भाई चलते चलते मेरा स्कूल दिख गया, जिसमें मैंने दूसरी क्लास से लेके नहीं, पहली क्लास से लेके पाँचवीं क्लास तक पढ़ाई करी थी, ये स्कूल था। मेरे स्कूल के बंदे जानते होंगे इस जगह को, यहाँ से ना मतलब भागने का जुगाड़ था, जैसे लंच हुआ लंच में यहाँ से भाग लो। एक बार पता क्या हुआ था, मैं बताता हूँ कहानी आपको। देखो ये स्कूल है, फोन तो चला ही जाएगा अंदर, कोई सीन ना ले फोन पता चले। देखो ये स्कूल है, यहाँ हमारी क्लास होया करती थी, यहाँ हम सारे लोग पढ़ा करते थे। अब तो बन गया है स्कूल काफ़ी, और बहुत मज़ा आता था। इसके अंदर वोट डाल के दिखाया आपको, क्या यार स्कूल की यादें भी क्या थी। देखो ये देखो ऐसा स्कूल है ये, और यहाँ से हम पतली गली से जाते थे, ये छोटा गेट है और ये ऐसा है भाई। एक बार पता क्या हुआ था स्कूल में ना, जैसे ना मतलब हम ना क्लास से बाहर ना घूम रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है, तो सर जी आए, सारी क्लास बाहर खेल रही थी, तो सर जी आए, सर जी ने गेट बंद किया और सबके बस्ते अंदर रह गए, और छुट्टी का टाइम था, छुट्टी का टाइम हो गया, और भाई किसी का बस्ता नहीं दिया, और हम लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे, बस्ता दे दो, बस्ता दे दो, हमारा बस्ता दे दो, गाली बकरे सर को, हम बच्चे बच्चे, और हमें डर लग रहा बिना बस्ता घर जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, मम्मी बोलेगी कि भाई तूने कुछ किया होगा, तभी बस्ता नहीं मिला, बस्ता कहाँ है। तो भाई हम बहुत बस्ता मांगते रहे और बस्ता नहीं दिया, फिर अगले दिन आए और बस पढ़ने लग गए। वो इतनी छोटी बात थी पर उस समय बहुत मतलब टेंशन हो गई थी कि यार बस्ता नहीं दिया। ये था देखो मैन गेट, तो काफ़ी बन गया है, यहाँ वोट डल रहे हैं। यहाँ मैंने छठी से लेके दसवीं क्लास तक पढ़ाई करी है। चलो भाई मम्मी की सहेली के घर पे आ गए हम। देखो कितना छोटा रूम है, हम भी ऐसे ही आते थे पहले। देखो हवा खाने, तो मेरे को कूलर की, इतने से कमरे में आपने फ्रिज कूलर और टीवी सब रख रखा। कितने का है रूम? 2000 का, सही है। ठंड लगने लग गई यार, कंबल लेना पड़ेगा। देखो भाई इतना छोटा रूम है, इतने छोटे रूम में कूलर फ्रिज, यहाँ खाना, यहाँ साइकिल, कार्ड भी। हम भी पहले ऐसी रहा करते थे इतने छोटे में, इसे कहते हैं फुल कूलर। कूलर की हवा में बैठा हूँ, बस कूलर की हवा खा रहा हूँ, गर्मी बहुत है। इनकी लड़की, मम्मी की सहेली की लड़की, हाँ जी, और एक ही है। पार्टी टाइम, ये भैया इनका घर है। चलो भैया, हाँ धन्यवाद आपकी सेवा का, ठीक है वीडियो बनाते हैं। और इन भैया का हौसला देख के भाई मेरे को ना मतलब बहुत अच्छा लगा। देखो इनका एक हाथ नहीं है भैया का, दिखाना एक बार भैया। ये भाई कितने किलोमीटर जाते हो? 22 किलोमीटर इस साइकिल से ड्यूटी करने जाते हैं ये भाई। सलूट है भाई, अकेले रहते हैं, खाना वाना भी खुद बनाते हैं। और भैया ने भाई बढ़िया से केयर करी है, ठंडा मंगाया है। और भैया बढ़िया, भैया कह रहा हूँ भैया अच्छा लगा बहुत, ठीक है आते रहेंगे अब तो आपके घर पे, ठीक है अभी भी आ जाओ भाई। आपकी मेहमानवाजी से दिल खुश हो गया हमारा, ठीक है। ये हैं जो हमारी मेरी मम्मी की सहेली है ना, ये लाली दीदी, इनके जेठ हैं, ये इन्हीं का घर है। मान गया भाई मैं छोटी मोटी चीज़ों पे इतना रोता हूँ कि ये मेहनत वो मेहनत परेशान हूँ, और ये भाई अकेले रहते हैं और 22 किलोमीटर दूर काम करने जाते हैं, एक हाथ नहीं है जबकि। और मतलब मैंने यही तो देखा है, जो बंदे ना मतलब जितने वैसे होते हैं ना, मतलब थोड़े गरीब टाइप के या थोड़े वैसे लाचार टाइप के, वो भाई मतलब बढ़िया से बातें करते, इतनी बढ़िया से बात करी, इतनी केयर करी, अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। चलो बड़ी देर से कूलर के आगे बैठा था, अब गर्मी लग रही है बहुत खतरनाक। और छोटो भाई क्या हाल है, आई बोल दो। और गाड़े दाल दे दिया क्या? बोल मेरी बोटी नहीं बनी, मेरी भी नहीं बड़ी, मेरी वोट ही नहीं है। चलो भाई मम्मी ने वोट डाल दिया,
मम्मी ने वोट डाल दिया है, अब ये नहीं बताएंगे किसको डाला है, पर मैंने भाई कम से कम 8-10 लोगों से पूछा जानकार के, भाई किसको वोट दिया, बीजेपी, किसको वोट दिया, बीजेपी, किसको वोट दिया, बीजेपी, किसी ने भी बीजेपी के अलावा अभी तक कोई नाम नहीं लिया मेरे से, पता नहीं भाई बाकी क्या होगा देखते हैं, मेरा तो वोटर कार्ड ही नहीं बना था। जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं सबने बीजेपी बीजेपी को दिया है, तो बीजेपी सरकार आएगी, जिसके ज़्यादा होंगे वही आएगी, बाकी तो देखते हैं क्या होगा। चलो गर्मी बहुत है, घर जा रहा हूँ मैं। हो एक तो भाई लोअर उल्टा बांध लिया मैंने, देखो पीछे जेब जा रही है, कुछ भी रख रहा हूँ ऐसे पीछे जा रही है, आगे की होती है ना आगे, ऐसे 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 नहीं जा रही, क्या करें भाई ये होता रहता है। हाय कोमल, हाय हाय, रो के दिखा दिया, हाय हाय मेरी जान, क्या हाल है बेटा। काजल ऐसी बात मिली स्टिकर ये। चलो भाई घर पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करने के बाद मैं और मम्मी निकल चुके हैं बाहर दोपहर के 3:30 बजे एक रिक्शा लेने, रिक्शे से ही सामान इधर उधर किया जाएगा ना, तो एक रिक्शा लेने जा रहे हैं, और रिक्शा लाते हैं दोस्तों को बुलाता हूँ राजेश को, और एक आधे दोस्तों को किसी और को बुला लूँगा, बाकी बलवीर ने धोखा दे दिया एक दोस्त ने, कल वो आया था मेरे घर, मैंने बोला कि भाई रूम खाली होना है, बोल रहा ठीक है आ जाऊँगा, और आज फ़ोन नहीं उठा रहा, तो होते हैं भाई सबके ऐसे दोस्त हैं। ले भाई चालू हो गया ब्लॉग, बोल क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हारा आईफोन कहाँ गया? मेरा आईफोन यही तो आईफोन मेरा आईफोन ही हो, क्वालिटी तो अच्छा है, फोन की कौन से फोन है? पोको, पोको एम वन। हाय मेरी जान, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया, रूम खाली करवा रहा हूँ यार। रिक्शा किसी का मिलेगा? रिक्शा हाँ, कैसा, 4 पहिया वाला? हाँ 3 पहिया वाला, चलाने वाला बैटरी वाला? हाँ चलाने वाला, बैटरी वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, किसका मिलेगा? रूम खाली करने के लिए। क्या वहाँ से भी खाली कर रहे हो? हाँ वहाँ क्या होगा? तो ये अपना एक भाई है, बाकी सब तो धोखेबाज है। नहीं आ रहा बेटा, मुझको पता है। कोई नहीं यार, रील किसको भेजता हूँ मैं सबसे ज्यादा, दोस्त कौन है सबसे करीबी ये बता दू पहले। बलवीर तो धोखेबाज है यार, आज देख सुन लो आया नहीं, कल बोल रहा था खाली करा दूंगा, कहाँ, चल कोई बात नहीं, थैंक यू भाई मिल गए। क्या रहा हूँ बताओ, कल मेरे घर पे आया और बलवीर मेरे पापा को बोल दिया कि भाई अंकल ठीक है मैं करवा दूंगा खाली, और आज बंदा फोन नहीं उठा रहा, बता भाई नहीं आ रहा, मुझको पता है यार। कल को बताता हूँ वो बात, कल देख एक बात बता। ये देखो भाई रूम खाली होने को है, सब कुछ सामान पैक है, और ये मम्मी की सहेली आई है, बहुत हेल्प करा रही है हमारी, इस तरह हेल्प करा रही है जैसे इन्हीं का कमरा खाली हो रहा है, थैंक यू, इसलिए बार भी इन्होंने हेल्प कराई थी, भगवान करे इन्हें नोटों की गड्डी पाए, सोना चांदी पाए, एक एक किलो भर भर के 10-20 ग्राम हमें दे दें बस, ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई बड़ी दुआ है? अरे इनके फ़ोन में रिंगटोन लगानी है, लगा दूँगा। और ये देखो दादी ने फुल पैक कर रखा है, कपड़े उपड़े सब पैक कर दिए, बेड बिखरा पड़ा है, और ये देखो दो रानियां, महल की रानियां, कुछ नहीं कर रही है बताओ, मार देंगे। और भाई इसकी एक गंदी आदत लग गई है सच में भाई, जो मेरी आदत थी ना वो अब इसने अपना ली, पता क्या जैसे ही सोती थी ना सुबह सुबह लेट उठती थी तो इसके एक चांटा दर्द देता था, गाल पे थप्पड़ मारता था, अब मैं भाई कुछ बैठा हूँ वीडियो एडिट कर रहा हूँ फोन चला रहा हूँ कहीं कुछ सोच रहा हूँ, ये आके इतनी तेज से चांटा मार देती है, और मतलब भाई ये उस खेल में ही मेरे से जीत में है, अभी 4-5 चांटे जड़ दिए इसने, पर मैंने भी एक जड़ा था जब वो गुस्सा हुई थी ना, जो आपने क्लिप देखी थी, इतनी तेज चांटा जड़ा था, और भी कभी कभी भी जड़ सकता हूँ मैं, पर मैं वीडियो के साथ जड़ूंगा अपनी जनता को भी दिखाऊँ ना, कमरा खाली कर जल्दी चल उठ। चलो भाई रिक्शे वाला बन गया, मिल गया रिक्शा, बड़ी मशक्कत के बाद मिला है, 2-2.5 घंटे घूमने के बाद, शिवम रिक्शे वाला।
नया काम स्टार्ट। क्या हो गया? हाँ लो भाई आ जाओ, आ जाओगे ठीक है ब्लॉग में। AXAGE इधर सही मॉडल है। चलो चलो भाई, इतने सारे बंदे आ गए, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार। इतने भाई है, आपका कमरा खाली होगा, किसी का भी होगा मेरे को बुला लेना ठीक है। चलो हैं, उठाओ ले चलो सारा, तो इतने सारे बंदे आ गए, ऐसा लग रहा है मतलब हवेली खाली हो गई है। मम्मी बुला के ले आई सबको, बच्चा पार्टी को। दादी का 10 करोड़ वाला बैग मना कर रही है दादी, ये नहीं भेज रही। भग मत जाइयो, इसमें बहुत सारे पैसे रहन दे, इसे छोड़ दे, ये दादी का खजाना है इसमें। ना ले जाओ जे, हाँ 10 करोड़ रुपए हैं, साथ में ले जाएंगे दादी, ऐसा बोल। ये देखो भाई पापा की मेहनत, इससे भी ज्यादा मेहनत करी थी, इससे डबल है। दादी ने पता नहीं बोरे में रख लिए अपने बेटे की अमानत, ये चीज पता नहीं क्यों बोरे में रखी है भाई, कबाड़े की चीज बोरे में रख दी। हाँ और ये देखो बैग यहाँ से साफ हो गया और सब ओके है, मामला पानी। और ये वाले रूम में ये खाली हो गया। इधर नहीं दिख रहा मैं, इधर दिख रहा, परेशान है, रोज रोज मेरे से बोलता रहता है भाई ब्लॉग में, बोल दे यार शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही इसकी, ये बहुत बड़ा टॉपिक क्या है, ये क्या करे भाई, हो जाएगी टेंशन मत ले भाई। तू क्यों हंस रहा है? अबे भाई चाचा है तेरा भी लड़का है यार, हाँ दिखा तेरा कच्चा नहीं, अरे तो कच्चा क्या, वो वीडियो डिलीट हो जाती है यूट्यूब से, पर नहीं दिखेगा उसका, ठीक है लाओ देना, अरे कुछ नहीं होगा उसमें, देर थोड़ी ना, मेरे पूरे नंग हुए कपड़ा ना पहने, वीडियो डिलीट हो जाता है। ले भाई, अरे कोई बात नहीं यार, ये तेरा बेटा है, देखो मेरे दोस्तों ये मेरा बेटा है, दूर दूर तक कहीं भाई सकर चल रही है, 19-20 तो छोड़, 50-60 भी नहीं लग रही। अरे मेरी वाइफ गोरी है ना, पॉइंट है, पॉइंट है। सकर मैच नहीं। चलो भाई रूम खाली करके आ गए हैं, और अभी भाई बहुत थका हुआ हूँ मैं, मतलब मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं भाई, तड़ातर रूम खाली करता हुआ, रिक्शे से 8-10 चक्कर लगाए हैं रिक्शे से, और काफ़ी बच्चों ने भी हेल्प कराई है, मेरे दोस्तों ने भी हेल्प कराई है, और सबका शुक्रगुजार हूँ यार, जो मेरे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं उन्होंने हेल्प कराई, थैंक यू सचिन, थैंक यू राजेश, और थैंक यू बच्चा पार्टी। हाँ भाई लाडले, नए रूम में नई जगह, सो रहे थे बिरयानी, चलो आराम से बात करूँगा, क्यों खाली किया, क्या हुआ और क्या सरा, ठीक है अभी थोड़ा थका हुआ हूँ और बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, चलो थक गए गंदे हैं। चलो भाई शिफ्ट हो चुके हैं और कहानी जो भी है कल बताएंगे, और कैसा है, कैसी है ये जगह उसका भी अलग से वीडियो बनाएंगे, टूर देंगे, बाकी आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलो भाई ये व्लॉग, चलो भाई ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और बस बाकी दिखाएंगे अगले व्लॉग में कैसा रहा हमारा घर, क्या है, अभी तो साफ सफाई चल रही है, और रूम खाली करना ना किसी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि भाई इतना भारी भारी सामान लेके आओ इधर, फिर चोट भी लग गई मेरे पैर में, मतलब जो किराएदार होगा वही जानता है भाई, किराएदार होगा कोई ठिकाना नहीं होता, कभी इधर कभी उधर चलता रहता है, बाकी ना यार बहुत मेहनत लगी है, कल से थका हुआ था, बाकी मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में, ही लंबा हो गया व्लॉग वरना और कुछ भी बताना था, बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और इस जगह का रूम टूर जरूर दूंगा आपको, बाकी अगले व्लॉग में बताऊंगा क्या हुआ था, क्यों हुआ, खाली करा, क्या कारण था, लंबा हो गया इसलिए नहीं बताया, बाकी बाय, और जो भी मेरा व्लॉग एंड तक देखते हैं यार उनको मैं हमेशा से थैंक यू बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा, बाय।